हाय तबस्सुम तेरा। खूबसूरती में वो अपने दौर की किसी अभिनेत्री से किसी भी मामले में कमतर नहीं थी। अदायगी में भी उन्होंने अपने हुनर का लोहा मनवाया था। उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी भूमिकाओं से खूब हलचल मचा दी थी। कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जाने। उनके चेहरे से ही सादगी और मासूमियत झलकती थी। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना। लेकिन सुंदरता और हुनर होने के बावजूद उनको लीड रोल से वंचित रहना पड़ा। वह ज्यादातर फिल्मों में बहन के रोल से ही पहचाने जाने लगी। हम बहनों के लिए मेरे भैया। फिल्मों में उन्होंने बहन के इतने किरदार निभाए कि फिल्मों की बहन के नाम से ही मशहूर हो गई। राखी बंधन है ऐसा, राखी बंधन है ऐसा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट्रेस पर सबसे अधिक रेप सीन फिल्माए जाने का भी रिकॉर्ड है। यहाँ तक कि यह मासूम अदाकारा रेप गर्ल के नाम से भी पुकारे जाने लगी थी। उन्होंने उन फिल्मों में सबसे ज्यादा काम किया जिनमें औरतों के साथ अत्याचार और बुरा सलूक किया जाता था। वह अधिकतर वही किरदार निभाती थी जो पीड़ित महिलाओं पर आधारित होता था। वो कभी हीरोइन की बहन बनती तो कभी किसी अभिनेत्री की सहेली बनती थी। के किसी आदमी को नहीं जानती। लेकिन बेहद ही कम उम्र में सफलता हासिल करने वाली उस एक्ट्रेस का फिल्मी करियर काफी छोटा रहा। इस वीडियो में आज मैं आपकी दोस्त और होस्ट सुरभि बात करने जा रही हूँ अभिनेत्री नाजिमा की, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय और खूबसूरती का ऐसा जादू बिखेरा कि सभी देखते रह गए। क्या कह दिया, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, नाजिमा फिल्म इंडस्ट्री में तो आई थी लीड हीरोइन बनने का सपना लेकर, लेकिन उन्हें सपोर्टिंग रोल में ही ज्यादा देखा गया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनके चर्चे टॉप एक्ट्रेस से भी ज्यादा हुआ करते थे। उन्होंने कई सारे फिल्मों में रेप के सीन किए, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में वो रेप की रानी के नाम से मशहूर हो गई थी। उनकी खूबसूरती और अदाकारी का जिक्र सालों बाद भी इंडस्ट्री में किया जाता है। सालों बाद भी दर्शक उनकी फिल्में देखना पसंद करते हैं। काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो। नाजिमा का जन्म नासिक में 1948 में हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म देवदास में भी काम किया था। बाद में उन्होंने जिद्दी, आरजू, अप्रैल फुल, आए दिन बहार के, औरत जैसी कई फिल्मों में काम किया। मैं सब जानती हूँ भैया, मैं वो सच्चाई जानती हूँ। यही कि रमेश भैया ने जरूर तुम्हें उषा के बारे में लिखा होगा। हम तो कब से हुए तुम्हारे चुपके लाज शर्म के मारे जी फरमाए। इतना ही नहीं, साल 1975 में ही रिलीज हुई उनकी फिल्म दयारे मदीना में उन्होंने मेन लीड एक्ट्रेस बनकर काम किया। हिंदुस्तान के उभरते हुए शायर यूसुफ से मेरा सवाल जवाब का मुकाबला है, जो जरा आम रविश से हटकर है। ऐसा मुकाबला इससे पहले कभी नहीं हुआ। वो अपने करियर से खुश तो थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का मलाल था कि फिल्म मेकर उनके लीड हीरोइन वाले गुण नहीं देख पा रहे थे। जब भी उन्हें कोई फिल्म ऑफर होती, उसमें उन्हें बहन का रोल थमा दिया जाता था। शायद इसलिए क्योंकि उन किरदारों में नाजिमा कभी असफल नहीं रही और तमाम अवार्ड्स भी जीते। लेकिन नाजिमा के मन में तो लीड हीरोइन बनने की हसरत थी। पर कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से क्या नहीं करा देती। नाजिमा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। न चाहते हुए भी नाजिमा को बहनों के किरदार करने पड़ रहे थे। जो भी फिल्में उन्हें मिल रही थी वो उन्हें कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो बेरोजगार ना हो जाएं, कहीं फिल्म इंडस्ट्री उन्हें भूल ना जाए। 60 से 70 के दशक में सपोर्टिंग एक्ट्रेस नाजिमा ने ऐसी कई फिल्मों में काम किया जिनमें उन्होंने हीरो या अन्य किरदार की बहन का रोल किया। इस दौरान उन्होंने कई सारे फिल्मों में रेप के सीन भी किए। इसके चलते बॉलीवुड में उनके नाम सबसे ज्यादा रेप सीन करने का रिकॉर्ड रहा और वो बॉलीवुड की बहन के नाम से मशहूर हो गई। अपने चंद सालों के करियर में ही नाजिमा ने उस दौर के
बड़े से बड़े निर्माता निर्देशक और एक्टरों के साथ काम किया। मात्र 22 साल की उम्र में ही वह उस दौर की एक ऐसी एक्ट्रेस बन गई जिनके आगे फिल्म की लीड हीरोइनें भी फीकी पड़ गई। कहा जाता है कि उस वक्त की कुछ हीरोइनों को उनकी लोकप्रियता से भी जलन होने लगी थी, क्योंकि उस समय फिल्म इंडस्ट्री में उनके चर्चे टॉप एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा हुआ करते थे। साल 1972 में आई फिल्म बेईमान के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में भी नॉमिनेट किया गया था। बेहद ही कम उम्र में सफलता हासिल करने वाली एक्ट्रेस नाजिमा का फिल्मी करियर काफी छोटा रहा। अपने पूरे फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग 30 फिल्मों में काम किया, सभी सक्सेसफुल रही। तो दोस्तों, नाजिमा के बारे में आपके पास अगर कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगली वीडियो में मैं फिर फिल्मी हस्तियों और फिल्मों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।